नरेश सर, तो इस सेशन की शुरुआत मैं चाहता हूं मैं आपसे करूं। मेरा सवाल आपसे ही कि इससे पहले वाले सेशन में ये बातचीत चल रही थी कि कविता को प्रचार की आवश्यकता, क्या आपको लगता है कि आज के समय में कविता को प्रचार की आवश्यकता है ताकि वो पहुंचे जन जन तक, अच्छी कविता है, वरना कविताएं तो सोशल मीडिया पर भी बहुत चल रहे हैं कि फूलों गुलाब का कांटा मत समझना जैसी। ये चालू है। देखिए, ये समय ऐसा है कि हर अच्छी चीज़ हमारे बीच से गायब होती जा रही है, मनुष्यता ही गायब होती जा रही है। कविता का जो काम है, संबंध है, वो सत्य से है, मनुष्यता से है, सौंदर्य से है और संवेदना से है। लेकिन हमारी जो इस समय शीर्ष सत्ता है, उसके पास जो सारा एजेंडा है वो घृणा का है, हिंसा का है। वो तो कहते हैं सर कि हम साहित्य को प्रमोट करते हैं, प्रचार का उसका प्रचार करते हैं, हम तो हिंदी के साथ हैं और तब हिंदी की बात करते जितना हैं। जितना झूठ इस समय बोला जा रहा है, उतना झूठ कभी नहीं बोला गया इस देश में। ऐसे समय में, इस हिंसा के, इस झूठ के और नफरत के समय में इंसान का बचना मुश्किल हो रहा है, सच बोलने वाले का रहना मुश्किल हो रहा है। तो ऐसे समय में आप क्या कह रहे हैं कि कविता को प्रचार की ज़रूरत है? कविता को और सौंदर्य को और संवेदना को, हर उस चीज़ की ज़रूरत है जिसका नाम मनुष्यता है, और मनुष्य ही इसको, और इतने लोग जो बैठे हुए हैं इन्हीं से मेरी उम्मीद है और कहीं से उम्मीद नहीं है, जो अपना दिल्ली में इतना व्यस्त समय छोड़ करके कविता सुनने के लिए आए हैं। इनका मैं स्वागत करता हूं, इनको नमस्कार करता हूं। लीलाधर जगूटी जी, आज के समय में कविता की स्थिति क्या, आप बिल्कुल इत्तेफाक रखते हैं नरेश जी से? देखिए, मैं सबसे पहले तो अपनी बात यहां से शुरू करना चाहूंगा कि आज आपका विषय है सुनो कवि। आपका जो मुख्य विषय है आज की गोष्ठी का, अभी जो गोष्ठी हुई पहले उसका विषय कुछ पुकारो, कविता की पुकार थी, और इस गोष्ठी का है सुनो कवि। अब इसमें कवि सुने या कवि सुनाए, ये दोनों में द्वंद्व हो सकता है कि कवि को सुनना भी सीखना चाहिए, कवि को सुनाना भी सीखना चाहिए, और कवि को कुछ याद करना भी सिखाना चाहिए, सिर्फ भूल जाना ही नहीं सीखना चाहिए। जब सुनो कवि की बात हो रही है, किस कवि की बात हो रही है? अभी थोड़ी देर पहले जो गोष्ठी हुई उसमें ये सवाल उठा भी था, और बहुत अच्छे तरीके से अशोक जी ने भी, अरुण कमल जी ने और अनामिका जी ने इन चीज़ों को डिस्कस किया। आज हिंदी भाषा का जो कलेवर है उसको कविता के भरोसे या साहित्य के भरोसे या नाटक के भरोसे या साहित्य की अनेक विधाएं हैं उन सब के भरोसे हम छोड़ देते हैं, छोड़ना चाहते हैं और रखना चाहते हैं। लेकिन क्या ऐसा होता है? ऐसा इसलिए नहीं होता कि जीवन की दृष्टि अलग है। साहित्य की दृष्टि जीवन की दृष्टि से पैदा होती है, इसलिए अनेक तरह के शब्द हिंदी में आ जाते हैं, अनेक तरह की भाषाएं हिंदी में आ जाती हैं। वो घुसपैठ नहीं है, वो समन्वय है। वो मैं समझता हूँ कि एक नई दृष्टि हम अपनी भाषा में जिन शब्दों की कमी है उन शब्दों को शामिल करना चाहते हैं, और ये बुरी बात नहीं है। ये कहना कि अच्छी हिंदी क्या होती है, ख़राब हिंदी क्या होती है, ये थोड़ा ये विषय मुझे कुछ विषयांतर का एक पहलू लगता है। इसलिए होना तो ये चाहिए कि हमको अंग्रेजी से भी सीखना चाहिए, उर्दू से भी सीखना चाहिए और संस्कृत से भी सीखना चाहिए। ये बात कही गई है और अच्छी बात कही गई है, लेकिन सवाल ये है कि अंग्रेजी ने तो हिंदी से सीखा, अंग्रेजी तो जंगल भी ले गई, अंग्रेजी में जंगल भी है, हमारी डिक्शनरी इतनी कमज़ोर क्यों है? हिंदी की डिक्शनरी इतनी लचर क्यों है? इतनी विपन्न क्यों है हिंदी की डिक्शनरी कि वो केवल बहुत कठिन शब्दों की ही ढूंढ में रहती है? अगर कहीं से
आदिवासी इलाके से कोई शब्द आया है तो वो हमारी डिक्शनरी में नहीं मिलता। हमारी डिक्शनरी में केवल शास्त्रीय शब्द ही क्यों मिलते हैं, जीवन के शब्द भी मिलने चाहिए। और अंग्रेजी इसीलिए बड़ी भाषा बन पाई कि वो जितने देशों में अंग्रेज गए उतने देशों के शब्द भी वो अपने साथ ले गए, वो उनके संपत्ति भी ले गए, उनके शब्द भी ले गए और अपने अपनी गरीबी मिटाने के लिए उन्होंने काम किया। हम इस रहस्य को नहीं समझ पाए, हम अभी भी रूढ़िवादी बने हुए हैं। इसलिए ये अच्छा प्रयास है आपका कि कवि सुनाए ही नहीं, सुने भी, और कवि सुन रहा है और कवि सुनाएगा भी। नंद किशोर जी, हिंदी ऐसी भाषा जिसमें जैसे कहा जाता वैसे ही लिखा जाता है या जैसे लिखा जाता है वैसे ही कहा जाता है, लेकिन ये युवाओं तक क्यों नहीं पहुंच रहे हैं? आपसे इससे पहले सेशन में भी इस पर बात हुई थी, कहाँ पर कमी है, किस में कमी है? क्या सरकारों को दोष देना या फिर कवियों की तरफ से भी कुछ ऐसा है कि शायद वैसी चीज़ें नहीं पहुँच रही हैं? देखिए, मैं प्रचार वगैरह की बात तो नहीं जानता क्योंकि मैं कविता को कोई कमोडिटी नहीं मानता। मैं ये मानता हूँ कि कविता मनुष्य की आत्मा की संवेदनात्मक पहचान है, उसकी संवेदनात्मक तलाश है। पिछली शताब्दी में एक बड़े महान मनोवैज्ञानिक यूंग ने एक पुस्तक लिखी थी, उस पुस्तक का शीर्षक ही था मॉडर्न मैन इन सर्च ऑफ ए सोल, आधुनिक मनुष्य आत्मा की तलाश में। तो ये जो मनुष्य की आत्मा काफ़ी समय से धीरे 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 गुम सी होती जा रही है, कविता और कलाएं और अन्य चीज़ें भी अपने अपने तरीके से करती होंगी मैं नहीं जानता, पर कविताएं और कलाएं मूलतः उसी आत्म की तलाश की प्रक्रियाएं हैं। वो उस आत्म की तलाश में केवल कोई वैयक्तिक मनुष्य नहीं है, केवल उसमें समय भी है, वो समय की भी आत्मा की तलाश करता है। समय में आत्मा कहाँ लुप्त हो गई है इसकी भी तलाश कर। अभी जैसा नरेश जी ने कहा कि इस समय जितना झूठ बोला जा रहा है उतना कभी नहीं बोला गया, वो सही है, क्योंकि इस आत्मा के लुप्त होने के कारणों में झूठ भी एक है कि जितना झूठ बोला जाएगा अपनी आत्मा की तरफ से आप उतना ही निर्लिप्त होते चले जाएंगे। लेकिन सर एक सवाल है, तो इसलिए मैं ये मानता हूँ, और जब आपने युवा वर्ग का कहा कि क्या वहाँ तक क्यों नहीं पहुँच रही है, मैं केवल यही उनसे कहना चाहूँगा कि अपनी आत्मा की तलाश करिए, आप कविता तक पहुँच जाएंगे।